अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुआविया स्टूडियो। आज हम सिपाही सहाबा के बानी मौलाना हकनवाज झंगवी के सबसे छोटे साहबजादे मौलाना मसरूर नवाज झंगवी की ज़िंदगी के कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 17 जनवरी 1988 में मौलाना हकनवाज झंगवी के घर में एक बच्चे की पैदाइश होती है जिनका नाम मसरूर नवाज रखा जाता है। मौलाना मसरूर नवाज ने इब्तदाई तालीम जेंग से हासिल की और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद अपने वालिद के बनाए गए इदारे जामिया महमूदिया में दर्स निज़ामी किया और वहीं पर दर्स व तदरीस के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जमात की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी जारी रखे हुए हैं। 2016 में जंग की MP राशिदा याकूब शेख की नाअहली के बाद सूबाई असम्बली का हल्का खाली हुआ तो मौलाना मसरूर नवाज झंगवी मैदान में उतरे और 48,563 वोट लेकर कामयाब हुए और MPA मुंतखब हुए। याद रहे कि मौलाना मसरूर नवाज ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के मजमूई वोटों से भी ज़्यादा वोट हासिल किए थे और इस बार भी जंग के का PP 126 से MPA के उम्मीदवार हैं। और याद रहे कि मौलाना अहमद लुधियानवी भी इसी हलका से MPA के उम्मीदवार हैं। मौलाना अहमद लुधियानवी ने अपने एक बयान में कारकुनों को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि जल्द मौलाना मसरूर नवाज हमारी मीटिंग्स में शामिल हुआ करेंगे। कारकुनों की जानिब से दोनों रहनुमाओं के दरमियान जल्द इत्तफाक की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।